ही राजा है, ये वाक्य सिर्फ किताबी पन्नों पर ही रह गया है। आज के हालातों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। फसल खराब होने पर किसान बर्दाश्त कर लेगा, जमीन चले जाने पर नहीं कर सकता। इसलिए बेचारे नरेश भाई अमर गए। अरे तो फिर मेरे पापा भी मर जाएंगे यार। क्या बात कर रहा है तू? अरे मेरे पापा ने भी खेत उधारी पर लिया है, अगर वो चुका नहीं पाए तो वो लोग जमीन छीन लेंगे, उसके बिना मेरे पापा जी नहीं पाएंगे यार। ए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू डर मत यार। अरे ये डर नहीं है, सच है यार, किसान की मदद कोई सरकार नहीं करती है यार। बेटा होकर मैं अपने पापा की कोई मदद नहीं कर पाया, इस तरह पापा की मौत देखने की मुझ में हिम्मत नहीं है यार। उससे अच्छा है कि मैं ही मर जाता। तू कैसी बात कर रहा है? क्या कर रहा है? तू मर गया तो तेरे माता पिता का क्या होगा, और तेरे बिना हम लोग कैसे जी पाएंगे रे? तू हमारा दोस्त है, तेरे लिए अपनी जान भी दांव पे लगा सकते हैं हम लोग। तुझे भी कुछ नहीं होगा, तेरे बाप को भी कुछ नहीं होगा, सब कुछ मैं देख लूंगा। क्या करना है मैं बताता हूँ। तेरी गलियों में न रखें। अरे क्या हुआ? क्या रे अर्जुन, सबको एक साथ लेके आया है? क्या बात है भाई? वंशी तेरे से थोड़ी बात करनी है। नहीं नहीं मेरे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है। अरे प्लीज यार, परसों कुछ काम में बोल रहा था ना, हम लोग जाएंगे ना अर्कू। क्या कहा? तुम लोग तो कह रहे थे उसमें बहुत रिस्क है। प्लीज यार हम लोग जाएंगे। अब कुछ नहीं हो सकता है, वो काम मैंने किसी और को सौंप दिया, वो लोग शाम तक निकल भी जाएंगे। हम लोग भी निकलते हैं। प्लीज यार बस ये एक मदद कर दे, बचपन की बातें भूल जा यार। शाम को जलसा है, कैसे जा सकता है तू? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? ये सब तेरे लिए जरूरत है, लेकिन अगर काम हो जाए तो हम चारों की जिंदगी सवर जाएगी। प्लीज यार बात को समझना। ऐसा मत बोल यार, तेरे साथ साथ मेरा भी तो काम होगा ना। ठीक है जा निकल जा। थैंक यू यार, थैंक यू। अरे थैंक्स क्यों बोल रहा है भाई, एक ही गांव के तो लोग हैं, और मुझे पता है तुम लोग काम करके आओगे। चलो निकलो, मैं तुम लोग को फोन करके बताऊंगा क्या करना है। चलो जाओ, जाओ। आप उनके ना होने वाले कुरुक्षेत्र में अनजाने में आप पुलिस व्यूह में फंस चुका है। चमका बादल में तरबारी, वो जो पली चढ़ने वाला है कोई, ओ, रचे रचे अर्जुन लक्ष्य रचे, फते फते संग्राम करने फते रे, धुरंधरी अति है संभल जा रे, अरिंदम है री बचने से रहा रे, लहू नशा दो बलि चढ़ा दो, कदम हमारे रुकेंगे नहीं। ए अर्जुन, देवी के जुलूस में गांव की सीमा पार नहीं करनी चाहिए। जुलूस के वक्त गांव की सीमा पार न करना हमारी मान्यता है, सीमा पार कर जाना हमारी जरूरत है। हम सबको इस समस्या से बाहर निकालेगी या बलि चढ़ाएगी सब वो माई देख लेगी, हमारा उस पर भरोसा है। टिकट हम बेजवाड़ा से ले लेते हैं, वाइजा के 5 टिकट देना। आइए सर, आइए सर, वेलकम टू चिंतामणि लॉज। राजू का पूर्व गोदावरी जिले में ट्रांसफर कर दिया गया है। जब तक यहाँ थे अपराधी गतिविधियाँ काफी कम हो चुकी थीं। कहा जा रहा है कि काफी अपराधी तो शहर छोड़कर भाग गए। यूथ जो बंद करना चुके थे, सीरियस इशू पर ध्यान न देकर कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनने की तरह न्यूज लगा कर सुन रहा है,
ए, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम लोग एक घंटे में यहाँ से निकलेंगे, ठीक है? हमारे निकलते वक्त हर हाल में हमारा सामान यानी हमारे कपड़े, फोन, आईडी कार्ड्स और सब। अरे यार, लेकिन मैं तो आईडी लाया ही नहीं, सच कह रहा हूँ। जो कुछ भी है हम सब कुछ श्रावणी को देकर यहाँ से निकल जाएंगे। मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं चलोगी हमारे साथ? मैं भी आऊंगी। हम कोई नृत्य कला दिखाने नहीं जा रहे, कहाँ चलोगी? कितना सीरियस इशू है जानती हो? यहाँ से निकल कर यसकोटा जाते हैं, यसकोटा से अर्की, अर्की जाकर हम लोग क्या करेंगे? सब्जियाँ खरीद, सब्जियाँ फ्रेश होनी चाहिए। कहाँ थे? नृत्य कला में। अरे वो खत्म हुआ, एक घंटा हुआ तेरी तो। कहाँ थे? सब्जियों की थैली। सब्जियों की थैली, सब्जियों की थैली लेकर जाकर। अरे सब्जियों की थैली नहीं यार, सब्जियां ले जाकर, अमाउंट की थैली लेकर, अमाउंट की थैली सब्जियों की थैली में मिलाकर यहाँ आकर श्रावणी को लेकर जा। क्या कर रहा है यार, छोटी सी तो बात है। तो ये बात है। एक और जरूरी बात, फोन लाया? हाँ ले लिए, और दो सिम्स भी लिए हैं। हम में से चाहे कोई भी पकड़ा जाए दूसरे का नाम बिल्कुल नहीं बताएंगे। चलो प्रॉमिस करो सब लोग। सब पकड़े गए तो? अबे तू यहीं से भाग जाना पागल कहीं का। चलो गेट अप चेंज। अरे रे, एक मिनट एक मिनट, देखो श्रावणी, अगर इस मिशन में हम लोग पकड़े गए तो हमारा इंतजार मत करना, अच्छा लड़का देख के शादी कर लेना। ए, लगता है बारिश होने वाली है, इधर आ जा। इस तरह बिजली और बादल गरजते वक्त अगर तुम्हें डर लग जाए तो अर्जुन फाल्गुन बोलने से डर भाग जाएगा। ये अर्जुन फाल्गुना का मतलब क्या है? क्या हुआ, जब एक दिन अर्जुन जब वनवास में थे तब अपने भाइयों के लिए भिक्षा लेने जा रहे थे। इतने में एक बड़ा सा बारिश का गोला अर्जुन पर गिर पड़ा। तब अर्जुन ने उस बारिश के गोले को देखकर अपने हाथ की भिक्षा को देखते हुए कहा, अब ये सही समय नहीं है, कहकर चेतावनी दी। फिर भी वो नहीं माना था। तब अर्जुन ने उस गोले को अपने एक हाथ से कसकर पकड़ लिया था। तब उस गोले ने कहा, अर्जुन अर्जुन गलती हो गई है, मुझे छोड़ दो। तब कहीं जाकर अर्जुन ने उसे छोड़ दिया था। तब से गरजते बादल और चमकती बिजली अर्जुन से बहुत डरते हैं। मतलब अर्जुन जब बिजली चमकती है सिर्फ तभी हिम्मत देते हैं? नहीं, जब भी हमें डर लगे हम अर्जुन को याद करेंगे तो वो हमें हिम्मत देंगे। क्या अभी भी अर्जुन वनवास में ही है? उनके ना होने वाले कुरुक्षेत्र में अनजाने में अपुन इस व्यूह में फंस चुका है। फिर भी बलि चढ़ने के लिए अपुन कोई अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। ये देख, मैं इसके जैसा लग रहा हूँ ना? सब नोटबुक लेकर के आए हैं ना? Yes, sir! निकालो। क्या ढूंढ रही है? मेरी नोटबुक नहीं मिल रही। क्या फुसफुसा रहे हो? कुछ नहीं सर। सर वो मेरी नोट्स नहीं मिल रही है। क्यों, फिर झूठ बोल रही हो? नहीं सर। नोट्स न लाकर बहाने बना रही हो? नहीं सर। सच बोलोगी तो छोड़ दूंगा, झूठ बोलोगी तो यहाँ आकर के बैठना होगा। सर सच बोल रही हूँ। शट अप, जो बोला है वो करो। यहाँ पर कान पकड़कर खड़ी हो जाओ, यूज़लेस फेलो। सर वो लड़की किताब लेकर आई है सर। मतलब वो किताब तुमने चुराई है, यूज़लेस फेलो? नहीं 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 सर, इस वामशी ने चुराई है सर। सर सर मैंने नहीं चुराई सर, ये नोटबुक तो मेरे पिताजी ने खरीदी थी। सर
ये झूठ बोल रहा है सर। नहीं सर, 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 दे सर, मुझे, सर, देखिए, सर, ये देखिए सर, इसमें नाम भी लिखा है सर। ए, इधर आ। चोरी करता है? नहीं सर। कह रहा है पिताजी ने खरीद कर दिया है। बाहर निकल, पिताजी को लेकर क्या? यूजलेस फेलो। ए, तुम जाकर बैठो। ए, जल्दी से आओ यार, आज नई फिल्म रिलीज हुई है। आज घर जल्दी जाकर। ओए लड़के, तुझे बुला रही हूँ, रुकना, बात तो सुन। लड़का क्या होता है यहाँ, तुम मेरा नाम लेकर नहीं बुला सकती हो। वो क्लास में मेरी हेल्प की, उसके लिए थैंक्स। हाँ ठीक है ठीक है। अर्जुन हा? तुमने क्लास में मेरी हेल्प की, उसके लिए मैं पार्टी देना चाहती हूँ। पार्टी तो चल ना मेरे पापा की दुकान तेरी पर। तेरी ऐसी की तैसी, तेरे पापा तो कमाई कर ही रहे हैं और तू भी यहाँ पर कमाई ढूंढ रहा है। लड़की के साथ गांव में पार्टी करेंगे तो बैड इंप्रेशन पड़ेगा, अपने छोटे भाई की दुकान पर ही सही रहेगा। हाँ चलो। अर्जुन मेरे पापा की दुकान। अरे तेरे पापा की दुकान से बात चलो, चलो चल। ये लो। ए, हमेशा यही खाएंगे क्या? तो फिर क्या चाहिए? ऑर्डर प्लीज। अंकल 5 थम्स अप दीजिए ना। क्या कोल्ड ड्रिंक? क्यों नहीं चाहिए? अरे ठीक है ना, वैसे भी प्यास लगी है। पेप्सी बोलूं क्या? वो सब रहने दे, चल मैं बताता हूँ। ये क्या कर रहा है? समझाने से नहीं समझेगी, देख। वाह अच्छा है, जबरदस्त है। कौन सा सोडा है? मजा आया ना, इसे कहते हैं अर्जुन का कलर सोडा। अरे वाह। यार जरा चल संग अपने, थोड़े मस्त का मटका दे, चुनिया समझ ना रे हो। देसी गाय का दूध 1.5 लीटर भी काफी है। जम गया रे तुम दोनों का, सही जोड़ी है। ऐसा मत बोलो पिताजी, वही बात अगर आपन बोलेगा तो बुरा मान जाओगे। वैसे भी आपको हमेशा हड़बड़ी रहती है, रोज दूध देने के लिए आप जाते हो कि आपन जाता है। वो बेचारी सुबह से चिल्ला के कान फाड़ रही है, एक बार जाके देखो ना उसको हुआ क्या है। उसे क्या होगा रे बाबा, वो भी तेरे जैसी ठीठ ही है। क्यों पकड़ रहा है? ए अर्जुन रुक जा। हाँ क्या हुआ? ये पेपर्स अपने पापा को दे देना। काय के पेपर्स है ये? अरे उन्हें पता है तुझे क्या करना है, जाना। साल तो खेती अच्छी होगी ना? अरे हो जाएगा, फिर भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है ना। क्या होगा भगवान ही जाने। अरे सीधे बैठना। माँ भैया आ गए। अरे अर्जुन आज दूध नहीं चाहिए, चाय बनाने के लिए रखा हुआ है। चाय बनाने के लिए हो तो काफी है क्या? छोटी बेचारी दूध नहीं पिएगी? ए बच्चे पाठशाला जाएगी? तेरा क्या है, दूध देकर चला जाएगा, महीने के अंत में पैसे तो मुझे ही देने हैं ना। असल में अपन आपके हिस्से का हिसाब लगाता ही नहीं है। अरे ओ मामा जी दूध लो दूध। ऐसी हड़बड़ी में क्यों है? दूध लेना है पापा। तो दूध लेने के लिए भगोना ले ले, तू आखिर ढूंढ क्या रही है? अरे क्या हुआ जल्दी आओ ना। तुम्हारे पसंदीदा रंग का लहंगा पहनती हूँ, अच्छा है ना? इतना खास तो नहीं है लेकिन ठीक है। हैप्पी बर्थडे। ये लो, ये माता जी के मंदिर का कुमकुम है, लगा लो। थैंक्स। ये लो चॉकलेट। ठीक है चल रहा हूँ, मिलता हूँ बाद में। पहले दूध तो देकर जाओ। ये लो पूरा भरा हुआ है, ये कैन ही रख लो, जी भर के पियो, बाप को भी पिलाओ। हुँ।
क्यों शिवांगी जी, कल रात मेरे पापा के हाथ से खाया नहीं ना, वही तो रोज मैं कैसे खिला पाऊंगा। कल से चाहे जो भी खिलाए मना किए बिना खा लेना क्या। अरे मैं जानता हूँ मेरी बात तू मना नहीं कर सकती, चल खा खा, गुड गर्ल। अरे अर्जुन, ताना जी के घर को बैंक वाले जब्त कर रहे हैं यार। सर, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। अरे क्या कर रहे हो, दे दो। सामान भी बाहर फेंक रहे हैं। सब मत कीजिए। वो वहाँ बैठ के रो रहा है यार, सब कुछ बिगाड़ दिया है, तू जल्दी से आना यार, आ जा। हम आपको पैसे दे देंगे। हट जाओ। अर्जुन ये क्या तमाशा लगा रखा है, अरे ये खून कैसे निकल रहा है, इसे चोट लगी है, लगता है मार पीट की है। हा? अरे साहब आखिर ये क्या जबरदस्ती है। लोन नहीं भरेंगे तो क्या करेंगे। भरेंगे ना, बिना भरे गांव से चले जाएंगे क्या, चार दिन आगे पीछे होगा पर भरेंगे। इतनी सी बात के लिए घर जब्त करोगे, औरतों पर हाथ उठाओगे तो चुपचाप देखते रहेंगे क्या। माँ के दूध के साथ साथ गोदावरी का पानी भी पिया है, चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा एक एक की, याद रखना। अरे 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 मैं यहाँ पर हूँ ना बात करने के लिए। अरे मुझे बताए बिना आपने यहाँ कदम कैसे रखा, मुझे बताना चाहिए ना, इनके और आपके बीच में मैं हूँ ना। आपको फोन किया था मैंने, आपने उठाया नहीं। हाँ किया होगा आपने, मैं बिटिया की शादी के कार्ड्स देने गया था। बैंक वालों पर कोई हाथ उठाता है क्या। अबे हाथ का, तुझे तो लात से मारना चाहिए, अगर वो गिर गई होती तो जान चली जाती तो। कौन से बैंक से लोन में मिलती है जान। जान नहीं गई ना, चाहे आपके कितने भी करीबी हो, एक तो वो लोन नहीं चुका रहे और आप उसी का साथ दे रहे हैं। अगर चुका नहीं सकते तो लेना नहीं चाहिए था। चुका नहीं पाएंगे पता होता तो कोई किसान लोन ही नहीं लेता। वैसे भी करोड़ों करोड़ों लूटकर विदेशों में मौज करने वाले कमीनों का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। जीने के लिए उधार लेने वाले किसानों पर दिखाते हो अपना रुबाब। कमीने कहीं के, सिर्फ अपने गाँव में ही नहीं सारे देश में ऐसा ही चल रहा है। बापू ने किसान ही राजा है ऐसा कहा था। अब देखो किसान ही तो रो रहा है क्योंकि आसमान को देख कर बारिश होगी सोच कर, धरती को देख फसल उगेगी सोच कर, धोखा खाने के अलावा धोखा देना आता ही कहाँ है उसको। ये प्रवचन सिटी केबल पर जाकर दो, हमें लोन के पैसे चुका दो। हम लोग का सारा सामान बाहर फेंक दिया तुमने, एक पैसा नहीं देंगे तुमको। ए, ए, ये क्या कह रहा है तू, होश में है, आखिर इनसे तेरा संबंध क्या है। तुम्हारा होगा आर्थिक संबंध, मेरा मानवता का संबंध है, वो मेरा दोस्त है, फिर भी तुम अपने कमीशन के लिए लोन दिला देते हो, बीच में ऐसा कुछ होगा तो इधर उधर नाचते हो। ए, क्या कह रहा है ये, क्या ये। अरे पता है तुझे, अगर मैं नहीं होता ना तो ये आधा गाँव बैंक के कब्जे में होता अब तक, मेरे ही समझाने से ये बैंक वाले रुके हुए हैं, समझा, आया है बड़ी बड़ी बातें करने। भाई इसे माफ कर देना, अनजाने में बोल दिया, अब बुरा मत मानिए, आप ही कोई रास्ता निकालिए ना, एक दो महीने का टाइम दिला दोगे तो चुका दूंगा मैं। इसकी बातें सुनी तुमने, अभी यहाँ पर क्या बोल गया ये। हाँ समझा दो इसे। इसे जाने दीजिए, मैं चुका दूंगा। देखिए साहब जी, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, इन्हें थोड़ा टाइम दीजिए, ये लोन चुकाएंगे, मैं वचन देता हूँ। अब आप इतना बोल रहे हैं तो 50,000 देने को बोलिए, एक हफ्ते का टाइम देता हूँ। देखो अर्जुन, अब तुम इस मामले में बीच में आ ही गए हो और तुम्हें इनसे इतनी हमदर्दी है तो अपनी गाय मेरे हवाले कर दो। वो पैसा मैं इन्हें दे दूंगा, बाद में तुम पैसे मुझे देकर गाय ले जाना। साहब उसकी गाय।
सुनो शिवांगी, तानाजी के लिए मैं खड़ा हो रहा हूं, मेरे लिए तो उसके साथ चली जाएगी। अरे रुकना, मेरी बात तो सुन, इधर वापस मैं लेकर आऊंगा ना तुझे, प्लीज प्लीज। ए कार्ड दे रे, हाँ आओ आ जाओ, ए ले जाए इसे। अर्जुन वो पैसे मैं उन्हें चुका दूंगा, ठीक है ना, तुम निश्चिंत रहो। सुनो मैं गाय का ध्यान रखूंगा, चिंता मत करना। हाँ हमारे लिए अपनी गाय को उन्हें सौंप दी, हमारे तुम्हारे लिए नहीं अपने लिए। शिवांगी तो अपने घर के लिए गई है, आ जाएगी लौट के। अर्जुन सुनो बेटा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, कितनी भी मेहनत कर लो कमाई तो कुछ नहीं हो रही है, फसल भी अच्छी नहीं हो रही है, हम पैसे कैसे चुकाएंगे? खाते वक्त क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? खाने के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, आप परेशान मत होइए पापा, मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, दो दिन में हैदराबाद जाकर कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूंगा मैं। करना होगा तुम्हें ही करना होगा, बेटे के पैदा होने तक, उसके बड़े होकर काबिल होने तक पिता जिम्मेदारी लेता है, पर अब मैं तुम पर जिम्मेदारी का बोझ डाल रहा हूं, मुझे गलत मत समझना। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो पापा, अगर बेटा निकम्मा हो तो रोना चाहिए, लेकिन काम पर भेजने के लिए नहीं रोना चाहिए पापा। अब बस भी कीजिए, खाने के समय खुद भी रो रहे हैं, मेरे बेटे को भी रुला रहे हैं। तू खाना खा बेटा, सब्जी दो। ये आप भी शांति से पहले खाना खा लीजिए, लीजिए सब्जी लीजिए। अरे माँ, स्त्री के कपड़े कहाँ हैं? सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है। ये बैग क्यों भर रहा है बे? हैदराबाद जाने के लिए। हमें बताए बिना ही जा रहा है? बताऊंगा तो जाने नहीं दोगे? नहीं बताएगा तो भी नहीं जाने देंगे। अरे नहीं यार, पापा बहुत मुसीबत में हैं। अरे तड़ी तड़ी, ये ले तेरी पसंद की मिठाई, तुझे पसंद है ना, ये ले। क्या है, बस तक छोड़ने के लिए आए हैं क्या? क्यों चाचा जी, इसके हैदराबाद जाने से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी सोच रहे हो क्या? अरे खत्म हो जाएगी उसके लिए नहीं, मेरा थोड़ा बहुत सहारा बन जाएगा, कम से कम तुम्हारी शिवांगी को तो छोड़ाना होगा ना। सारा देने का मतलब आपके साथ रहना है चाचा जी, कहीं दूर रहना नहीं होता है। ठीक है, हैदराबाद जाके महीने का 10,000 कमाएगा, वहां पे खाने का, घर का, बस पास का, या आपको फोन करना, हमको फोन करने का, ये सारे खर्च होने के बाद कितना पैसा बचने वाला है बताओ? मुश्किल से 1,000 या 2,000 बचेगा। चलो ये भी छोड़ दो, दिन रात बेचारा बड़ी मेहनत से ज्यादा तो कमा लेगा, लेकिन आपके पास तो नहीं रहेगा ना। रोज शाम को खाना खाते वक्त खाना खाया होगा कि नहीं, या फिर ठीक से बेचारा सो पा रहा है या नहीं, अपने इकलौते बेटे के बारे में सोचते हुए दुखी होकर अपनी तबीयत खराब करने के अलावा और कोई चारा है क्या? खाली फोकट आपकी तबीयत डाउन होगी, इस उम्र में ये सब ठीक नहीं है चाचा जी। हाँ चाचा जी, इसे कहीं मत भेजो। इसे भेजकर मैं भी रह पाऊंगा क्या बेटा? वो नौकरी करेगा तो? वो नौकरी करेगा तो क्या, हम क्या करेंगे, हम सब भी नौकरी करेंगे, और कहीं बाहर जाके नहीं, अपने ही गांव में। वैसे भी कहीं और जाकर 25,000 कमाने से अच्छा अपने खुद के गांव में रहकर 10,000 भी कमा लिए तो भी काफी है ना चाचा जी। अपने खुद के गांव में आने के लिए भी त्योहारों का इंतजार करने वाली नौकरियों में चाहे जितना भी पगार क्यों ना मिले, हमको नहीं चाहिए चाचा जी। तड़ी, तू यही रह, कहीं मत जाना, यही रहकर नौकरी करना, यही नौकरी करना, सब अपने गांव में करना, कहीं मत जाना, कहीं मत जाना,
कहीं बच जाना। चला। अच्छा हुआ अर्जुन ने इसे रोक लिया, वरना हमारा दोस्त चला जाता है ना। चाचा जी के सामने सीना तन के बोल तो दिया, लेकिन गांव में हमको नौकरी देगा कौन? अब तुझे ही सोचना पड़ेगा यार। ए सुन, हुँ? चल सोडा पीते, चला जा। चल यार। कितना नमक डाला है, पूरा खट्टा हो ना। बेकार है यार ये, हम जब बचपन में पिया करते तो कितना अच्छा था यार। आजकल सब कुछ मिलावट है यार। आजकल तो हर चीज में मिलावट होने लगी है यार। इन लोगों ने तो सोडे को भी नहीं छोड़ा, सारा मजा किरकिरा कर दिया यार। ये सोडा तो गले से भी नीचे नहीं उतरा। क्या अगर हम लोग ही सोडा कंपनी खोल दे तो? जबरदस्त आइडिया है यार, और सोडा बनाने में तो किंग है। और अगर हमने यहाँ सोडा शॉप खोल दिया तो सब लोग हमसे ही लेंगे। तो फिर फिक्स करते हैं, यही बिजनेस करेंगे। अरे लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ डीलरशिप? हाँ डीलरशिप। अरे यार मेरा दुकान है ना, सालों से चला रहा है, मैं संभाल लूंगा सब। तो फिक्स है, अर्जुन का गोली सोडा। मामूली नहीं है, मामूली नहीं है, और क्या, बहुत स्पेशल है। बलि के लिए बकरा मिला है या इसकी बलि चढ़ने वाली है? इसको क्या हो गया, ये सड़क पे नाच क्यों रही है? तू एक मिनट रुक। हाँ। क्या बात हो गई, इतना जलसा क्यों है? मुझे नौकरी मिल गई ना। तुझे नौकरी किसने दी? वैसे नौकरी क्या है? ग्राम वॉलंटियर। क्या ग्राम वॉलंटियर? एक मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। तुम लोग नाचो। अरे यार श्रवणी की शादी तय हो चुकी है, लड़का अमेरिका का है, दिखने में एकदम महेश बाबू जैसा दिखता है, हवाई जहाज से आने वाला है। इसकी तो रुक, तेरी आ रहा हूँ। अबे जरा आराम से, अब देखना क्या होता है। अरे तेरी तो, ये भागो रे, निकलो यहाँ से, लगता है पंगा होने वाला है। इधर एक तो मैं दुखी हो रहा हूँ, ऊपर से लोग खुशी में नाच रहे हैं। ऐसा क्यों किया? चलो मेरे जाने का टाइम हो गया। मारो मुझे और मारो, तुम्हारे भरोसे तो बैठा हूँ, जान से मार दो। ए, ये क्या बोल रहे हो, शराब पीकर आए हो क्या? हाँ पीकर आया हूँ, कल पीऊंगा, परसों पीऊंगा, पी पीकर मर जाऊंगा, तुम्हारे भरोसे तो बैठा था। तुम जैसी आदमी की हाय लेने वाली औरत जिंदगी में कभी किसी आदमी को हाय देने लायक बचेगी नहीं, सर्वनाश हो जाएगा। ए रुको रुको, मुझे नौकरी मिलने से तुम्हारे साथ धोखा कैसे होगा? नौकरी? हाँ। ये ऑस्कर बोला तुम्हारी शादी हो रही है। कहाँ है वो नालायक, तुम मिलेगा तो? आज तो नहीं मिलने वाला। वैसे कौन सी नौकरी मिली है तुमको? ग्राम वॉलंटियर। वॉलंटियर बोले तो घर घर जाकर वो राशन बांटते हैं, वही ना? वही है। जाके कर लो। कर लो जाके। ऑस्कर लड़की का तो अच्छा, इसके बाप की काफी पहचान है, इसलिए नौकरी भी मिल गई इसे। सिर्फ बेटी को ही मिलेगी क्या? दामाद को नहीं क्या? शाम को जाते वक्त हाथ में कुछ लेकर जाना पड़ेगा, क्या कहते हो? हाथ में कुछ का मतलब? अरे मामा के बारे में नहीं जानते हो क्या? अरे बिना पिए उसका मुंह नहीं खुलता, गले में मेडल टांग के घूमता है जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर हो। मेरे मामा? हाँ तेरा ही मामा। नमस्ते मामा जी। नमस्ते मामा जी। क्या बात है भाई, आज चारों लोग एक साथ में? वो क्या है मामा जी, हमारी एक इच्छा थी। क्या है वो? हमारी इच्छा थी कि हम किसी बड़े आदमी के साथ दारू पिए, और आपसे बड़ा आदमी कौन है गांव में? क्या बात कर रहा है, मैं कौन सा बड़ा आदमी? अरे आप भी ना, ऐसे क्या बोल रहे हो मामा जी? लुंगी में से माल निकल, बकवास बात नहीं कर। निकाल ना, निकाल निकाल, दे दे। अरे इतने सारे लाने के बजाय एक ही बड़ा लेकर आना चाहिए। क्या है ना कि इतने में ही हमको चढ़ जाती है। सही कहा। ठीक है चार गिलास ले आओ बेटी। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, हम ग्लास लेकर आए हैं, हम चार लोग हैं ना, चार ग्लास। ठीक है फिर उसे भी दे दो, बहुत ही सीधा इंसान है, उसे कोई भी बुरी आदत नहीं है, एकदम प्रभु रामचंद्र जी की तरह है। ठीक है आप लोग आराम से पीजिए, मैं पकौड़े लेकर आती हूँ। बेसन तो है ना? हाँ है। अरे क्यों नहीं होगा, आप टेंशन मत लो मामा जी। मामा जी अरे ये क्या है, खुद पी रहे हो, मेरी तो गिलास खाली है। आपको नहीं दिया, अब भूल गया। बड़े होशियार हो तुम लोग।
अरे बाप रे, तुम्हें पकौड़े बहुत पसंद है ना, तुम्हारे लिए स्पेशल बनाकर लाती हूँ। जाओ, जाओ, जाओ। मामा जी, आपकी बेटी को नौकरी लग गई। अब आगे क्या इरादा है? तो कहना क्या चाहता है? श्रावणी के साथ ही हम लोग बड़े हुए ना, तो तो सोच रहेगी उसके बारे में। आपने क्या सोचा है? खाओ ना। अच्छा बताइए, हम सब में से होशियार कौन है? बताइए। अब अगर देखा जाए तो सबसे होशियार अर्जुन है। और उसके बाद कौन है? फिर उसके बाद तो तू ही है, और कौन होगा? होशियारी में मेरे बाद इनका नंबर लगता है। तो एक बात बताइए, सच कहूँ तो आपकी बेटी होशियार नहीं है। तो कहना क्या चाहता है? एक बात बताइए, आप अपनी बेटी को नौकरी दिलवा सकते हो तो हम सबको क्यों नहीं दिलवा सकते? बोलो 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 बोलो। वो मेरी बेटी है। अरे इस बात की क्या गारंटी है? अबे चुप कर रहे हो। ये लीजिए पानी पीजिए, पीजिए पीजिए। हाँ हाँ, पानी पियो। हाँ ओके। ये तो दारू जैसी लग रही है। अरे दारू पीने के बाद पानी भी दारू की तरह लगता है। ये बताइए, हमारे बारे में क्या सोचा है? अब मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं मामा जी, हम सब कलर सोडा की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। थोड़ा सा लोन वगैरह दिला सकते हो तो? समझ गया, तुम लोग बहुत होशियार हो। लोन के लिए आए हो, इसीलिए मुझे बड़ा कह रहे थे ना? अरे आपने बोल दिया तो हो ही जाएगा। ये सब क्या कह रहे हैं? वो कुछ नहीं मामा जी, वो बोल रहा था कि थोड़ा आशीर्वाद हम पर भी बना रहेगा तो हमारी भी लाइफ सेट हो जाएगी ना, ऐसा बोल रहा था वो। ठीक है, देखता हूँ, कल सुबह मैं ऑफिसर से बात करूंगा और तुम्हें लोन दिलवाने की कोशिश करूंगा। पर अगर काम नहीं हुआ तो मुझसे शिकायत मत करना, ठीक है? ये बात पे हमको एकदम यकीन है मामा जी। ठीक है ठीक है, मैं और पकौड़े लेकर आती हूँ। चलो मैं भी आता हूँ, मैं आ रहा हूँ ना मदद करने के लिए। आप एक नंबर मामा जी, एक नंबर है। से हम लोग बिजनेसमैन है, नौकरों की तरह बिहेव मत करना, समझ गए ना? अरे बाप रे, बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं। अरे बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं। अरे सुनो, बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाओ, ऑफिसर्स आ चुके हैं। सर 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 सर, अरे गुड मॉर्निंग। पेपर्स अपने मामा की रिकमेंडेशन एकदम सॉलिड है, सब लोग कितना राइस प्लेट दे रहे देखो। अबे राइस प्लेट नहीं, रिस्पेक्ट होता है। अच्छा ऐसा है क्या? सर लगता है बहुत माल है। ए, आगे चलो। चलिए आइए आइए सर, ये एलपीजी है, ये सूरी बाबूजी है, क्लार्क है सर, ये पद्मा है सर, अभी ज्वाइन किया है, असिस्टेंट क्लर्क है सर। ऐसी है, शादी हो गई तुम्हारी? वो जरा उसकी आदत है, करवा दे। चल रहे। ये सोम बाबू है, ये राम बाबू है, वो अनावरम जी है। अच्छा मैनेजर कहाँ है? अंदर वेट कर रहे हैं। चलो चलो। अरे और कितना टाइम लगेगा? वेलकम सर, वेलकम टू आवर बैंक। सर थोड़ा हम काम की बात कर लेते हैं। चलो बोलो। कौन सा काम सर? पहले कैश दोगे या चेक? क्या चेक? चेक कैसा सर? देखिए पहले ही बता देता हूँ, ये जीएसटी वगैरह हमसे नहीं हो पाएगा। जीएसटी क्या है सर? देखिए हम लोग बहुत बिजी है, रोज रोज हम बैंक में नहीं आ सकते। साइन वाइन जो भी लेना है ले लो और हमारा चेक दे दो। क्या है सर, आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमारे मामा जी की बात समझ में नहीं आई क्या? मामा जी कौन है? क्या आप हमारे मामा जी को नहीं जानते? अरे यार ये मामा को नहीं जानता, हमको लोन भी नहीं चाहिए। शांति रख, बैठ जा बैठ जा। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग, आखिर आप लोग हैं कौन? हमारे मामा जी हरिश्चंद्र प्रसाद राजू जी ने आपको फोन नहीं किया था? राजू? देखा कैसे जान निकाल दी थी तुमने। राजू ने बताया था लोन के लिए आएंगे, वो आप लोग हैं क्या? तुम यहाँ लोन के लिए आए हो, चेकिंग ऑफिसर्स नहीं हो? समझ गया ना, हमने तो नहीं कहा, ये छीन ले रहे। दे तो दोगे ना? जो भी करना है जल्दी करो, हमें बहुत काम है। लोन देना इतना आसान नहीं है बेटा, उसका एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। एनीवे सोडा फैक्ट्री का आइडिया बहुत अच्छा है। मैं आपका लोन जरूर सैंक्शन करूंगा, एक एप्लीकेशन देकर जाइए। अभी दे देते हैं ना? सर अभी अगर 10,000 मिल जाते ना तो हम लोग पार्टी कर लेते। 10,000 मैं तुम्हें नहीं दूंगा, बल्कि तुमको लोन चाहिए तो तुम्हें ही मुझे 50,000 देना होगा। कितना? मामा जी ने कुछ बताया नहीं। मैं तो बता रहा हूँ ना,
हाँ? समझ गए ना? जाओ 50,000 लेकर आओ, जाओ। हम रिश्वत तो नहीं देंगे, लेकिन 2 दिन में सोच कर आएंगे। बुरे फंस गए यार। लोन का ब्याज तो पैसे देने के बाद मांगते हैं ना, इसने तो लोन से पहले ही ब्याज मांग लिया यार। हम जैसों की मजबूरियां, इन जैसे कमीनों का मौका होता है। गए लेकिन एक भी पैसा नहीं मिला यार, क्या करें अभी। अब 50,000 हम लोग कहाँ से लाएंगे? अरे कहाँ से लाएंगे, सोडा फैक्ट्री खुलने से पहले ही बंद हो गई समझो। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने सोडा फैक्ट्री का कितना होगा? 50,000। ये तेरे पापा को कितना चाहिए? करीब 4,00,000। कुल मिला के 4,50,000। अरे तू क्या बोल रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करें अभी, कहाँ से लाए। लोगों की भलाई के लिए मैं जान लेने के लिए भी तैयार हूँ और जान देने के लिए भी। 10 लोगों की भलाई के लिए मैं जान लेने के लिए भी तैयार। अपनी एटमोस्ट बैच की खुशी के लिए, किसी को उल्लू बनाने के लिए या खुद येड़ा बनने के लिए मैं तो तैयार हूँ। क्या बात है, केला खा रहे हो? 30,000 दो ना। क्या 30,000? हाँ, वो भी शर्त लगाने के लिए? और नहीं तो पागल क्या? हो गया है क्या? पैसे क्या केले की तरह पेड़ पर उगते हैं? अगर आपने नहीं दिए तो। हाँ, नहीं दिए तो माँ को बता दूंगा। दुकान पे बैठे बैठे लड़कियों को देखते रहते हो माँ। तुझे पैसे ही चाहिए ना? बुलाया क्या? अरे कुछ नहीं माँ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें नींबू पानी पिला दो। मैं भी लाया। हाँ। ये लो, चौधरी को देने के लिए रखे थे। तो ठीक है, माँ को बता दो। माँ देख तो नहीं रही ना। लो ये भी लो, पीछे देख लो। ठीक है ठीक है। तू कहाँ से मिल गया रे बाबा? ए, सब तैयार है ना, एंट्री सही रहनी चाहिए, बाकी सब मैं संभालूंगा। 20,000 का 3,00,000 मिलेगा। ये पकड़। हाँ। प्रकाश के मुर्गे के साथ अपने मुर्गे का सामना होगा, समझ गया ना? अरे मुर्गा नहीं, हाँ चाहे जो भी हो पकड़। रेडबुल पीने से रुकेगा नहीं, ये थोड़ा देर है। हाँ हाँ पिला, ये ले पी ले। हाँ पी ले। अच्छा पी के एकदम जोश में लड़ने का। अरे ज्यादा मत पिला मेरा प्यारा मुर्गा। लड़ने वाला है कोई मुर्गा नहीं है। भैरव है भैरव। ए भैरव, आज दिखा दे दुनिया को तू कौन है, अपने दुश्मन की वाट लगा दे। मुर्गे के अखाड़े के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, दिल की धड़कन रुकने से मुर्गा मर चुका है। प्रकाश जी का मुर्गा जीत गया है। लाओगे इसको? हाँ दे दो दे दो। हाँ लाओ लाओ। खेल खत्म हो चुका है। चल चल चल। ये हटना, बैठो। कुछ खिला दिया क्या? कागी पर 20, डाका पर 40, कोई मर्द है शर्त लगाने के लिए? हाँ?
मैं हूं ना। अबे बहुत बोल रहा है। अरे वो मोटू वामशी है ना, इन दिनों यही बहुत आगे चल रहा है बेटिंग लगाने में। भैरो भैरो चुप रहे, एक और बार भैरो बोलेगा ना तो ऐसा मारूंगा कि भूलेगा नहीं, कमीना। आली फोकट क्या है बे, चल रोना बंद कर। हो चुका है मुर्गी, अब हम क्या करेंगे? उधर क्या किया जाए सोच रहा हूँ। बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया है, मुर्गों के अखाड़े में मुर्गा मर चुका है, नेक्स्ट क्या करना चाहते हो? ये सब तुझे कैसे पता? मुझे पता चले बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं तुम्हारी परछाई हूँ। फिर भी मुझसे छिपाना क्या है यार, मुर्गा चला गया ना? वो मुर्गा नहीं था, बहरा था मेरा, चला गया, वो लौट के नहीं आएगा। क्यों, तुम्हें तो पता था ना, तुमने दिया क्या? ए, कैसी है तू? क्या है, तुम लोग यहाँ पे बिरयानी खाने के इंतजार में खड़े हो क्या? ए, ज्यादा बोला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी, समझा? अभी की हार से दिमाग ठिकाने नहीं आया क्या रे अर्जुन? 30,000 से 3,00,000 कमाने की सोच रहा था, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है? बताना भाई, पैसे वैसे चाहिए क्या? खेल देखने आया था ना, तो आराम से देखे, खाओ पी के यहाँ से चुपचाप निकल, नहीं तो तालाब में तेरी समाधि बना दूंगा। समाधि बनाने के लिए तू मुझे वो बचपन वाला वंशी समझ रखा है क्या? बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन वंशी। स्पेलिंग पता है तुझे? BKSIME होगी ना शायद। तुम्हारे मदद की जरूरत नहीं है हमें, निकलो यहाँ से। तेरी हेल्प करना ही कौन चाहता है? मैं तेरी हेल्प करूँ ऐसी फ्रेंडशिप नहीं है हमारी, तू अपने गाँव का है इसलिए आकर के बात कर ली। अभी क्या करें हम लोग? मेरे पास एक काम है, तुम लोग नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, तुम लोग का भला हो जाएगा इसलिए तुमसे बात की। काम क्या है? ये हुई ना बात। अरे कुछ नहीं अर्जुन, अर्की में मेरा नाम बताओगे ना तो वो तुझे एक झोला देंगे, वो झोला अगर तू मुझे लाके दे देगा ना तो मैं तुझे 4,00,000 दूंगा, लेकिन वो झोला पुलिस से बचाना होगा, मुझे पता है तू बचा लाएगा। क्यों, उस झोले में क्या है? मिडवेटेड बैंड्स। मतलब? ओ अंग्रेजी नहीं पता क्या? हिंदी में गांजा बोलते हैं। गांजा? क्या गांजाई? और क्या गांजाई, बहुत रिस्की काम है, चलो यहाँ से चलते हैं, चलो चलो। अरे मुझे तो लगता है बचपन का गुस्सा मन में रखकर ये हमें फंसाना चाहता है यार। अबे ओ पगले, तुम लोग फंसोगे तो मैं नहीं फंसूंगा क्या? ये सब कॉमन है यार, बस अपना काम शांति से करके निकल जाना है। ऐसा है तो खुद ही जाकर लेकर आ। तेरी तो 4,00,000 नहीं चाहिए क्या? देख अर्जुन, हमें इन सब में नहीं फंसना है, चलो चलते हैं यार। अर्जुन ठीक तरह से सोच ले, 4,00,000 की बात है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। नहीं ये सब बोलने की जरूरत नहीं, तब तक कुछ प्लान सोचते हैं, अभी चलो। ए चलो चलो रे। अरे अर्जुन बिना मेहनत के रंभा रम्या तो क्या रसगुल्ला भी नहीं मिलने वाला है, एक बार सोच ले ये बात। आजा आजा देख वो बात। हमें रंभा रम्या कृष्णा तो क्या, रसगुल्ले भी नहीं चाहिए, चल निकल निकल ले, ऐसे देख मत, चल जा निकल। मुझे नहीं बड़ा आया। अरे अपना नागा खेत में जहर पीकर मर गया। दो बीघे की जमीन की फसल से बैंक का कर्ज कैसे चुकाता, उसे भी बैंक वालों ने हाल ही में जब्त कर ली, इसीलिए जहर खाकर मर गया बेचारा। जीने की हिम्मत इन्होंने नहीं दिखाई और मरने की हिम्मत हम में नहीं है। कब तक ऐसे ही रखेंगे, चलो आगे जो करना है करते हैं, चलो लाश को स्मशान लेकर चलते हैं। भैया इस खेत से प्यार करते थे इसलिए यहाँ आकर मर गए, दहन संस्कार भी यहीं पर होना चाहिए। ये क्या कह रहे हो बेटा? बोला ना यही होना चाहिए। अर्जुन सही कह रहा है, कम से कम इससे इसकी आत्मा को तो शांति मिलेगी, अंतिम संस्कार यहीं करते। ओए, क्या हो रहा है यहाँ? इसे खेत समझा या शमशान घाट, कल से ये जगह बैंक की हो चुकी है। ऐसा मत कहिए, ये खेत तो इसी बेचारे का था, उसने जान भी यहीं दी है। अरे आप भी क्या बात कर रहे हैं, अब इस जगह पर ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये जगह बैंक की है। ए, हटाओ रे। चला।
लगा। आज नागा चला गया, कल मेरा क्या होगा क्या पता। क्यों रे, ये कैसी बातें कर रहा है तू? तू कहीं पागल तो नहीं हो गया? तू इतना बदनसीब नहीं है। बदनसीबी तो और क्या है, बैंक से उधार लिया हुआ सारा पैसा फसल में लगा दिया। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। अब उसमें कीड़े पड़े हैं, सारी फसल खराब हो गई। अरे तो तू क्या उसके लिए जान दे देगा? और फिर तेरे मर जाने के बाद क्या बैंक वाले तेरे कर्जे को माफ कर देंगे? अरे मैं हूँ ना तेरे साथ, तुझे कर्ज मैंने दिलवाया है, बैंक वालों को तुम्हारे पास आने से पहले मुझसे मिलना होगा। आई बात समझ में? ध्यान रखो अपना, मैं चलता हूँ। किसान ही राजा है, ये वाक्य सिर्फ किताबी पन्नों पर ही रह गया है। आज के हालातों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। फसल खराब होने पर किसान बर्दाश्त कर लेगा, जमीन चली जाने पर नहीं कर सकता। इसलिए बेचारे नरेश भाई मर गए। अरे तो फिर मेरे पापा भी मर जाएंगे यार। क्या बात कर रहा है तू? अरे मेरे पापा ने भी खेत उधारी पर लिया है, अगर वो चुका नहीं पाए तो वो लोग जमीन छीन लेंगे, उसके बिना मेरे पापा जी नहीं पाएंगे यार। ए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू डर मत यार। अरे ये डर नहीं है, सच है यार, किसान की मदद कोई सरकार नहीं करती है यार। बेटा होकर मैं अपने पापा की कोई मदद नहीं कर पाया, इस तरह पापा की मौत देखने की मुझ में हिम्मत नहीं है यार। उससे अच्छा है कि मैं ही मर जाता। तू कैसी बात कर रहा है? क्या कर रहा है तू? मर गया तो तेरे माता पिता का क्या होगा, और तेरे बिना हम लोग कैसे जी पाएंगे रे? तू हमारा दोस्त है, तेरे लिए अपनी जान भी दांव पे लगा सकते हैं हम लोग। तुझे भी कुछ नहीं होगा, तेरे बाप को भी कुछ नहीं होगा, सब कुछ मैं देख लूंगा। क्या करना है मैं बताता हूँ। तेरी गलियों में न रखे। अरे क्या हुआ? क्या रे अर्जुन, सबको एक साथ लेके आया है, क्या बात है भाई? वंशी तेरे से थोड़ी बात करनी है। नहीं नहीं, मेरे पास बात करने के लिए टाइम नहीं है। अरे प्लीज यार, परसों कुछ काम में बोल रहा था ना, हम लोग जाएंगे ना अर्कू? क्या कहा? तुम लोग तो कह रहे थे उसमें बहुत रिस्क है। प्लीज यार हम लोग जाएंगे। अब कुछ नहीं हो सकता है, वो काम मैंने किसी और को सौंप दिया, वो लोग शाम तक निकल भी जाएंगे। हम लोग भी निकलते हैं। प्लीज यार बस ये एक मदद कर दे, बचपन की बातें भूल जा यार। शाम को जलसा है, कैसे जा सकता है तू? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? ये सब तेरे लिए जरूरत है, लेकिन अगर काम हो जाए तो हम चारों की जिंदगी सवर जाएगी। प्लीज यार बात को समझना। ऐसा मत बोल यार, तेरे साथ साथ मेरा भी तो काम होगा ना। ठीक है जा, निकल जा। थैंक यू यार, थैंक यू। अरे थैंक्स क्यों बोल रहा है भाई, एक ही गांव के तो लोग हैं, और मुझे पता है तुम लोग काम करके आओगे। चलो निकलो, मैं तुम लोग को फोन करके बताऊंगा क्या करना है। चलो जाओ। शुक्रिया, शुक्रिया। आप उनके ना होने वाले कुरुक्षेत्र में अनजाने में आप उस व्यूह में फंस चुका है। चमका बादल में तरबारी, वो जो पली चढ़ने वाला है कोई। ओ, ओ, शक्तिशाली भयंकारी काली का, दिगंबरे तांडव करे दानव संहारी का। रचे रचे अर्जुन लक्ष्य रचे, फते फते संग्राम करने फते रे। धुरंधरी अति है संभल जा रे, अरिंदम है रि बचने से रहा रे। लहू नशा दो बलि चढ़ा दो, कदम हमारे ए अर्जुन, देवी के जुलूस में गांव की सीमा पार नहीं करनी चाहिए। जुलूस के वक्त गांव की सीमा पार न करना हमारी मान्यता है, सीमा पार कर जाना हमारी जरूरत है। हम सबको इस समस्या से बाहर निकालेगी
या बलि चढ़ाएगी सब वो माई देख लेगी। हमारा उस पर भरोसा है। टिकट हम बेजोड़ा से ले लेते हैं। वाइजाक के 5 टिकट देना। आइए सर, आइए सर, वेलकम टू चिंतामणि लॉज। राजू का पूर्व गोदावरी जिले में ट्रांसफर कर दिया गया है। जब तक यहाँ थे अपराधी गतिविधियाँ काफी कम हो चुकी थीं। कहा जा रहा है कि काफी अपराधी तो शहर छोड़कर भाग गए। यूथ जो बंद करना चुके थे। सीरियस इशू पर ध्यान ना देकर कोई रोमांटिक सॉन्ग सुनने की तरह न्यूज लगा कर सुन रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग 1 घंटे में यहाँ से निकलेंगे, ठीक है? हमारे निकलते वक्त हर हाल में हमारा सामान यानी हमारे कपड़े, फोन, आईडी कार्ड्स और सब। अरे यार, लेकिन मैं तो आईडी लाया ही नहीं, सच कह रहा हूँ। जो कुछ भी है हम सब कुछ श्रावणी को देकर यहाँ से निकल जाएंगे। मुझे क्यों दे रहे हो? तुम नहीं चलोगी हमारे साथ? मैं भी आऊंगी। हम कोई नृत्य कला दिखाने नहीं जा रहे, कहाँ चलोगे? कितना सीरियस इशू है जानती हो? यहाँ से निकल कर यसकोटा जाते हैं। यसकोटा से अर्की, अर्की जाकर हम लोग क्या करेंगे? सब्जियाँ खरीद, सब्जियाँ फ्रेश होनी चाहिए। कहाँ थे? नृत्य कला में। अरे वो खत्म हुआ, नहीं। 1 घंटा हुआ तेरी तो। कहाँ थे? सब्जियों की थैली। सब्जियों की थैली, सब्जियों की थैली लेकर जाकर। अरे सब्जियों की थैली नहीं यार, सब्जियां ले जाकर, अमाउंट की थैली लेकर, अमाउंट की थैली सब्जियों की थैली में मिलाकर यहाँ आके श्रावणी को लेकर जा। क्या कर रहा है यार, छोटी सी तो बात है। तो ये बात है। एक और जरूरी बात, फोन लाया ले लिए और 2 सिम्स भी लिए हैं। हम में से चाहे कोई भी पकड़ा जाए दूसरे का नाम बिल्कुल नहीं बताएंगे। चलो प्रॉमिस करो सब लोग। सब पकड़े गए तो? अबे तू यहीं से भाग जाना पागल कहीं का। चलो गेटअप चेंज। अरे रे, एक मिनट, देखो श्रावणी, अगर इस मिशन में हम लोग पकड़े गए तो हमारा इंतजार मत करना, अच्छा लड़का देख के शादी कर लेना। चलो आइए ना सर। मेरा बचपन से अर्की देखने का सपना था, पता नहीं था कि ऐसे यहाँ पर आएंगे। और कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे लगेंगे। 5 घंटे? घाटी सड़क मिलेगी शायद। ऐसा लग रहा है त्योहार की छुट्टियों में निकल पड़े हैं ना घूमने। हाँ यार, सच में ऐसा ही लग रहा है। अरे यहाँ तो कोई है यार, सोचा था कि जंगली सुअर होंगे। लेकर आ गए यार हमें। पट्टी निकाल दो। बंसी ने जिसे भेजा वही हो तुम लोग? यहाँ पर तो सभी लोग आतंकवादी जैसे दिखते हैं। ए, चुप रहे। अपना नाम बताओ। आदि। मैं तानाजी। रॉकी। मदन। ए। सब वो मोर आपका है क्या? अब संभाल कर लेकर जाना। अरे मेरी राम प्यारी, मेरी राम। आ गए भैया इस झोले में क्या? मेडेड प्लांट्स। ए ये ले झोला रख दे, खाने का सामान है। तू गाड़ी निकालना जल्दी यार, चल। अच्छा जल्दी चल। अरे जल्दी चलना यार। अरे चल रहा हूँ जल्दी। बस ये घाटी पार हो जाए तो बच जाएंगे हम लोग। ए क्या खाया यार? कुछ नहीं, ये पैकेट में जो ये सब हमें नहीं चाहिए। पहले से ही दिल घबराहट के कारण धड़क रहा है। आराम से अपने आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो हम मस्त 2 दिन पार्टी करेंगे। पार्टी करेंगे तो मजा आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन ना। ड्राइवर तू भी आएगा ना? अच्छा ड्राइवर भाई, बहुत अंधेरा हो चुका है, चेक पोस्ट वगैरह तो नहीं मिलेगा ना? आप रिलैक्स कीजिए,
जिस रोड पे चेक पोस्ट है वहाँ से मैं जा ही नहीं रहा हूँ। खैर ये बताइए, आप लोग इतना घबरा क्यों रहे हैं? पीछे रखा क्या है? अरे बस सामान है, सब्जी वगैरह। गांव में शादी है ना, तो हम लोगों को भेज दिया। गांव पार करके पहली बार निकले ना, तो थोड़ा सा डर लग रहा है। अरे ये क्या, चेक पोस्ट नहीं बोल रहा था ना, लेकिन ये तो चेक पोस्ट है। चल गाड़ी पीछे ले, पीछे ले। अरे गाड़ी पीछे ले जल्दी। अरे पुलिस है, घबराना नहीं बिल्कुल। अरे पीछे ले, क्या हो गया? पीछे भी गाड़ी है। ये तू आगे ले गाड़ी, चल आगे ले। पकड़े गए तो गाड़ी भी सील कर देंगे यार। आगे ले, आगे ले, जल्दी जल्दी चल, जल्दी चल, चल जल्दी आगे आगे आगे, भाग 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 गाड़ी भाग, चल 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 चल, रुक रुक। अरे गाड़ी लेना, एक गाड़ी लेकर आगे आओ, जल्दी करो। पुलिस है यार, अब क्या बोलेंगे इनको? बोलना क्या है? Hey, कौन हो तुम लोग, कहाँ से आ रहे हो? सर हम स्टूडेंट्स हैं, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अर्की गए थे। और ये हंस क्यों रहा है? इसने प्रिपेयर कर लिया ना, तो इसलिए ये ऐसे हंस रहा है। मुझे तुम लोगों पर डाउट हो रहा है, चलो गाड़ी चेक कराओ, चलो। सर टाइम खत्म हो चुका है, जल्दी नहीं गए तो बहुत लेट हो जाएंगे सर। जल्दी करो, बाहर आओ, बोला ना। सर 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 प्लीज सर, आप अगर हमें नहीं समझो तो सर 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 जल्दी दीजिए ना, बोला ना। चल चल सर, हमारा नाम खराब हो जाएगा सर। चलो सर, सर एग्जाम हम लोग सर, चलो सर, बात को समझिए सर, कहना जाना बहुत जरूरी है। सिखाओ सर, कौन पकड़ा है? जल्दी चल, क्या चल रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जाओ सर सर सर, जाओ गाड़ी चेक करो। यस सर, बैठो यहां पे। इनका पीछे एक झोला है, उससे ठीक से चेक करिए, ठीक से चेक करना। अरे सुनिए ना, चले जरा सर, कहां जाए सर, कहां जाए, ये देखिए सर, कहां जा। अरे सर 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 सर, त्रिमूर्ति की पूजा की? नहीं नहीं, हमारा नहीं सब, हमारा नहीं है, कसम खाते हैं, हमारा नहीं है सब। आप लगेगा सर, तुम सबको अंदर कर दूंगा, देखता हूं तुम्हें कौन बचाता है। ले चलो इन सबको। अरे जितना है उतना दे देना इसको, इनको अंदर डाल देगा। निकल सर सर, ये रख लीजिए सर, हमारी बात छोड़ दीजिए ना सर। सर गांव में पहुंचते ही और पासों का पेमेंट कर दूंगा सर। ड्रिंक एंड ड्राइव क्या समझ रखा है क्या? ए लेकर जाओ इन्हें, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अरे सर प्लीज जाने दीजिए सर, अभी के लिए, सर अभी के लिए मान जाइए ना सर। सर सर और पैसे दे दूंगा मैं, सर प्लीज जाने दीजिए सर, मेरी बात छोड़ो सर, हमें जाने दीजिए सर। ए चलो सर, चलो इनका पकड़ के डालो। अरे तुम मारो, ए बाबा ऐसा नहीं, पकड़ो। ए चलो चलने, उधर उधर जा रहा, पकड़ो चलो। अरे रुको, चलो क्या कर, गाड़ी स्टार्ट कर, जल्दी जल्दी जल्दी। सर चार लड़के हमारी पुलिस वैन लेकर भाग रहे हैं सर। पुलिस जल्दी चला, क्या होगा, क्या होगा? अरे जल्दी चला रहे मामा। अरे वो पीछे, जल्दी भगा। अरे धीरे चला यार, मुझे डर लग रहा है यार। ये पक्का हमारे लिए आया है, अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे? अगर यहाँ पकड़े गए ना तो बहुत बुरा होगा। जो होगा देखा जाएगा, मैं गाड़ी भगा रहा हूँ। क्या करेंगे? अरे हम तो फंस गए, ये भगवान बचा ले हमें।
सारे प्रूफ मेरे पास ही है मिस्टर, आप बिल्कुल डरेगा नहीं, हम देख लेंगे। या थैंक यू। अबे चुप ना यार। ए, ठीक से बैठ, ठीक से बैठ। सर आपको देख के सिंघम का अजय देवगन याद आ गया सर। चुप ना। सर को तारीफ अच्छी लगी है, हमको छोड़ देंगे। पैसों की वजह से युद्ध बर्बाद हो गया। सही बोला सर। ये कोई भूल या गलती नहीं है, इट्स अ क्राइम। यस इट्स अ क्राइम। अबे चुप ना यार। ए, प्लीज सर हमसे गलती हो गई है सर, प्लीज सर। सिगरेट समझकर गांजा पीना वो गलती होती है। सही है सर। गांजा है जानने के बावजूद झोली में भर के ले जाने को क्राइम कहते हैं। FIR लिखो। दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे सर। प्लीज हमारा नारकोटिक सेक्शन 21 इलीगल ट्रांसपोर्टेशन 135 बैग इनके पास रखो। सर 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 ठीक से बैठो। चला दिखाओ। सर ठीक से पकड़ो, चलो चलो उठो। झोला उठाकर जीप में रखो, चलो इसे गाड़ी में रखो। सर सर प्लीज सर मैं आपके पैर। सजा तो 6-7 साल की मिलेगी, कोई भी बाहर नहीं आ पाएगा। चलो चलो पीछे हो, चलो। ऐसा मत कीजिए सर, सर ऐसा मत कीजिए। चल बाहर निकल, चल बाहर निकल। काम करना, थोड़ी दूर जाने के बाद हम लोग मिलेंगे। मैं सिग्नल दूंगा, तब तक कोई बात नहीं करेगा, समझ गया? चल जल्दी। पुलिस की जीप को ठोकता है तू, समझ में नहीं आता? चलो चलो अंदर कर, इसे अंदर कर। सॉरी सर। किधर जाने का? मेरी लोकेशन पर बैकअप को भेजिए इमीडिएटली। पुलिस ने पकड़ लिया था, वहां से बचकर हम लोग भाग गए। जंगल में आते ही कहीं पर भी सिग्नल नहीं था। वैसे तुम यहां पर कैसे आ गई? इन पागलों ने अब तक फोन क्यों नहीं किया? फोन नहीं लग रहा है, क्या हुआ होगा? चलो पीछे बैठो, चलो पीछे बैठो। सर सर हमें जाने दीजिए सर। भगवान के रूप में तुमने आके बचा लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जय बजरंगबली। हे, तुम लोग उधर जाओ, उधर। यस यस, चलो जल्दी चलो। अरे भागो, अरे मैं हूँ यार।
उन्हें छोड़ के चले जा रहे थे। चलो निकलो यहाँ से। ए, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? उधर जाओ, उधर जाओ। ये सर, इस तरफ, इस तरफ। Háblame de dinero, soy tremendo negociante. वे किसका फोन है? है अर्जुन का फोन है। हाँ अर्जुन बोल, कहाँ है मेरे शेर? कहाँ है ये तो पता नहीं, लेकिन पुलिस से तो बच गए। क्या कहा पुलिस? झोला कहाँ है भाई? अरे तू घबरा मत यार, झोला हमारे पास ही है। शाम के 4 बजे तक झोला तेरे पास रहेगा, तू पैसे रेडी रखना। हाँ उस झोले को उड़ीसा लेके जाना पड़ेगा भाई, वहां तुझे 8 लाख मिलेंगे। उड़ीसा क्या बे? पागल कहीं के? तूने पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताता तो करते क्या? तुम्हारी मर्जी, पैसे चाहिए ना। चल ठीक है, चले जाएंगे, झोला उड़ीसा में दे देंगे। लेकिन बाद में तुरंत पैसा नहीं मिला ना तो मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। अर्जुन ज्यादा ओवर रिएक्शन मत कर, तुझे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, सब कुछ मैंने मैसेज कर दिया। तू वहां जाके झोला देगा, तुझे 8 लाख मिल जाएंगे। और हाँ, गांव लौटने के बाद मेरा कमीशन देना मत भूलना। पक्का वो लोग यहाँ के नहीं है, बाहर के हैं। आरक की जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, उस ड्राइवर को पकड़ो और पता करो कि वो कहाँ मिलेंगे। चलो जाओ। ओके सर। जैसे तैसे इस झोल से बाहर निकल गए यार। समझ में नहीं आ रहा है, अब हमें वहां जाना पड़ेगा। अरे लेकिन यार हम वहां जाएंगे कैसे? ये तो जबरदस्त घोड़ा है। ये घोड़ा नहीं है बाबूजी, इस जंगल का राजा है। इस जंगल में आने वालों से हमारा राजा बहुत प्यार करता है, बस एक बार देख लेगा तो फटाक से पहचान लेता है। एक सीटी बजाते ही आप चाहे जहाँ रहो जंगल में, आपके पास आकर आपको जंगल पार करा देगा। लगता है वही है, वामसी ने बताया हुआ गाँव। तुझे दिखाई दे रहा है कितना दूर है? हाँ। अरे कैसे पहुँचेंगे वहाँ पर? ऐसे 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 10 कदम चलते गए तो पहुँच जाएंगे, जल्दी चलेंगे तो। नमस्ते भाई। कैसे लोग हैं? नमस्ते बोलने के बाद नमस्ते भी नहीं बोलते, पता नहीं कहाँ आ गए हम लोग। अरे चुप। माल लेकर आए क्या? हाँ लेकर आए हैं, पता नहीं क्या होने वाला है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है डॉक्टर? अगर पैसे मिल जाएंगे तो हम निकल जाएंगे, बहुत दूर जाना है ना। माल देख कर पैसा दे दे रहे। ठीक है भाई, मिल गए।
रुक जाओ, पहले माल देखने दो। क्या बात है, अरे वाह, काम तो हो गया। तेरा घर भी सेफ है, 8 लाख में से 5 लाख निकले तो बाकी के 3 लाख खाने के बाद गोलियां ले लेना। ठीक बा, ले लूंगा भाई डॉक्टर। थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा आपको इस पर। पैसे, पैसे। अरे वो झोला बदल चुका है भाई, आपको देने वाला झोला दूसरा है, ये नहीं, मैं अभी ला कर देता हूँ आपको। अरे भाई हमारा झोला हमको दे दो ना। अर्जुन आना। अर्जुन वो धनंजय भी फाल्गुनी भी। ये इलाका हमारा है रे, यहाँ से भागना इतना आसान नहीं है। लड़की चाहिए या झोला चाहिए? बोल। खिलौना है ना? नहीं, असली है। अरे रुक जाओ यार। अरे खींचो से खींच, लोड कर। अरे जल्दी चलो रे। चलो चलो जल्दी। अबे भाग। अरे चल 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 चलो जल्दी चल। अरे चल। भैया हमें क्यों भगा रहा? Hey, पकड़ो से। चलो गाड़ी भगाओ जल्दी जल्दी। चलो वो लोग आ रहे हैं। Hey, क्या रुक। Hey. Hey, रुक। अरे ये पैसे आए कहाँ से? वैसे यार झोला उसने आगे की सीट पर रखा था या पीछे की सीट पर? बीच में रखा था। गांजे के लिए इतनी चीजिंग, मुझे तभी डाउट हो गया था। मतलब झोला बदल गया है। जरूर झोला बदल गया है। देने वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। बिल्कुल। हाँ यार, 8 लाख के लिए गए थे तो बहुत सारे पैसों से भरा झोला मिला। अपने भाई का घर भी सेफ है, अपनी सोडा फैक्ट्री भी सेफ है। मैं भी एक नेकलेस खरीदूं। हाँ जरूर खरीदना। अरे ए, कहीं से ट्रेन की आवाज आ रही है यार। चलो 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 जल्दी चलो चढ़ जा रहा। झोला दे जल्दी।
पहले तू चढ़। समझ गया। चढ़ जा जल्दी। अरे चलो चढ़ना। चलो चलो गिर गया। चलो चलो। एक मिनट आता हूँ। ए, जल्दी जल्दी। आजा जल्दी। अर्जुन 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 एक छाया है कैसा घंघोर तेरा अर्जुन तू मेरा दोस्त है यार, तेरी मुसीबत में मैं अपनी जान भी दे दूंगा, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा और तेरे पापा को भी कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सब कुछ देख लूंगा। ये ट्रेन पक्का वाइजाग पे रुकेगी, इन्हें वहीं पकड़ते हैं, चलो। चिंतामणि क्या हुआ रात को? सर कल रात को पैसे भेज दिए थे। चुप कर, सर आए हैं। सर गुड मॉर्निंग। सर नमस्ते। कल यहाँ पर चार लोग रुके थे क्या? चार नहीं सर, पांच लोग थे, उसमें एक लड़की भी थी, रूम नंबर 9 में रुके थे सर। ठीक है, रजिस्टर दिखाओ। ठीक है, दिखाता हूँ सर। हाँ सर देखिए सर, सिम्हाद्री रॉकी पाकिस्तान। रूम दिखाओ मुझे। आइए सर आइए, कमरा कितना सुंदर है, बैठिए बैठिए। सर आप कुछ ढूंढ रहे हैं? शायद हमें कोई सपोर्ट मिल जाए। कुछ नहीं मिलेगा सर, कस्टमर्स के जाते ही सारा कमरा साफ कर देते हैं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा सर। देखिए बिस्तर कितना साफ है, ऊपर से स्प्रे भी मारते हैं सर। तेरी तो इधर आ। रजिस्टर में लिखे नाम क्या है? आदि सिम्हाद्री रॉकी, गाँव का नाम पाकिस्तान है। वो फोन नंबर्स देखे तूने? कस्टमर केयर के नंबर है। ऐसे कोई रूम देता है? वो लोकल्स नहीं थे, वाइजैक की बस विजयवाड़ा से पकड़ के आए थे सर। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, ऑटो स्टैंड, सब जगह अलर्ट कर दो, हर हाल में वो वाइजैक से बाहर नहीं जाने चाहिए, समझे? ओके सर। Okay,
मिनिस्टर के आने का टाइम हो चुका, सब अलर्ट रहना। तुम वहां जाकर देखो। अरे बाप रे पुलिस यार, चलो 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 अंदर चलो। सुनो, यहाँ इतनी सारी पुलिस क्यों है? कहीं हमारे लिए तो नहीं? पक्का हमारे लिए आई होगी। उन्हें देखकर घबराना नहीं है, हम सब लोग अलग हो जाते हैं। चलो मिनिस्टर के आने का टाइम हो चुका है और सब क्या चल रहा है? कोई पॉकेट कुछ नहीं सर, सुब्बा राजू गन झोला यही सब बोल रहा है। सियाई सुब्बा राजू जी, मतलब तू? अरे पकड़ो उसे, जाओ जाओ, रुक, भागता किधर है? सर आपके द्वारा बताया गया झोला गैंग यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रहा है। उन्हें वहीं होल्ड करो, वहीं लॉक कर दो, मैं आ रहा हूँ अभी। ए गाड़ी निकालो। ए मेरा पेपर दे, पेपर दे। अबे दो मिनट के लिए शांत नहीं रह सकता? अरे बाप रे, अब क्या होगा? ए ए निकल यहाँ से, पैसे देने के बाद यहाँ से कुछ मिलेगा, समझा क्या? ये जाओ ना, ये निकल यहाँ से। देखिए ना सर, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं ये लोग, परेशान कर रहे हैं। बिना पैसे के पेपर क्या बात है? मना कर रहे हैं, बात नहीं। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। मुझे चाय पीना। अरे कहाँ ना तुझे, निकल यहाँ से। कहीं पकड़ा तो नहीं गया ये? भीख मांगना बंद कर, थोड़ा बल्ला बंद कर, पहले चढ़ जाओ। पागल की तरह हरकतें करते रहते हैं सब लोग। ये सर, वो तो गुंडों को लेकर आया। छोड़, जिद को तेरे, छोड़ छोड़, होगा ना रे। वो तो यहाँ पर पुलिस लेकर आया है। लेके, गरम का फल जा लेके। उसको मृत्यु, फिर गए सारे गुस्से
रुक जाओ, पागल हो गए, ऐसा झगड़ा क्यों कर रहे हो? दिमाग नहीं है क्या तुम्हारे अंदर? पागलों की तरह लड़ रहे हो। तुम सबको पागल बनाकर चला गया वो, और तुम लोग यहां मारामारी कर रहे हो। कौन हो तुम? आप ऊ की तरफ से आए हो का? मैं उसकी तरफ से क्यों आऊंगा? वैसे तुम कौन हो? वो ओडिशा में हमका एड़ा बनाकर भाग गया। तुझे भी वही चाहिए, मुझे भी वही चाहिए। तुझे मिला तो तू मार देना, मुझे मिला तो मैं मार दूंगा। बाप रे, वापस गांव में कदम रखते हिम्मत लौट आई यार। अरे झूला बदल चुका है, पैसा मिल गया कहकर वामसी को बता दे क्या? सबको बता दे यार, उसकी वजह से ही इतना रिस्क उठाना पड़ा था, किसी को बताना मत। ए, तुम लोग अपने घर जाओ, मैं और ऑस्कर खेत से होकर आते हैं। ठीक है। पैसा लेकर घर ना जाकर खेत में क्यों लेकर आए यार? इतना सारा पैसा लेकर जाऊंगा ना तो मेरा बाप इसे देखते ही मर जाएगा। फिर कहाँ छुपाएंगे? अपने खेत के घास में छुपाएंगे। चाचा, इसके अंदर छुपा देते हैं। अरे रे रे, पायल की आवाज क्यों आ रही है? लक्ष्मी देवी है यार। अच्छा लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी लक्ष्मी देवी। गुड इवनिंग सर। इसे चाहिए तुम्हारा गुड इवनिंग। यहाँ टेंशन बढ़ता जा रहा है। I am very sorry, sir. आखिर वो पकड़े गए या नहीं? उसी काम पर हूँ, वहीं पर जा रहा हूँ मैं सर। अब पकड़ोगे उन्हें? सर, इस बार वो लोग मुझसे नहीं बचेंगे। ठीक है। बिलीव मी सर। जल्दी से गुड न्यूज़ देना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। भले हम जुलूस में नहीं थे लेकिन गुड़िया का फंक्शन तो हमने जुलूस जैसा ही किया। बहुत मजा आया यार। ए, पुलिस की जीप यहाँ कैसे? कहीं अपने लिए तो नहीं आई है ना? चला चल देखते हैं। इसकी तो ये यहाँ कैसे आ गया? अरे यार, ये पक्का हमारे लिए आया होगा। लगता है इस बार हम पकड़े जाएंगे यार। अबे घबरा मत यार। अरे वाह, बाबू आए हैं। कैसे हो मामा जी? सुनीता, बाबू आए हैं, जल्दी आओ। सुनीता, दामाद जी आए हैं। क्या बात है दामाद जी, शादी के दो दिन पहले ही वो भी इतनी रात गए? कोई खास बात है क्या? कोई परेशानी है? पुलिस की नौकरी में कितना टेंशन होता है आपको पता ही है। वो सब तो हम रोज ही देखते हैं ना। जॉब की सारी टेंशन छोड़कर शांति से शादी करने के लिए मैं दो दिन पहले ही आ गया, बुरा मत मानिए। अरे ये आपका घर है, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, मुझे क्या परेशानी होगी? अंदर जाकर ये यहाँ क्यों आया है पता लगा, बाद में खेत में आ जाना। चाचा, आपको अपनी बेटी के साथ ये घर, ये जायदाद सब कुछ दे दूंगा। सब कुछ आप क्या? ही का तो दामाद? है, बिना हिचकिचाए मेरी बेटी से मांग लीजिएगा, समझ गए? मैं चाय लाऊं या कॉफी लेकर आऊं? अरे बेटी, थोड़ा बादाम डालकर गरम दूध लेकर आओ, दूर से आए हैं, थके होंगे। ए अर्जुन, ए अर्जुन! हे अर्जुन, हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऑस्कर, अरे क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो चुका है। अरे आखिर हुआ क्या, वो तो बता। सुनीता से शादी करने वाला कोई और नहीं है, यही वो इंस्पेक्टर है। अब हम लोग क्या करेंगे? लगता है हमारा खेल खत्म हो गया अर्जुन। सुनीता से शादी होगी तो वो उसका पति नहीं बल्कि हम सब लोगों का बाप बन जाएगा। चल पहले खेत में चलते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, तो घबरा मत। अब वो हमारे साथ क्या करेगा? चाहे कुछ भी हो, किसी से कुछ नहीं कहेंगे। ताना जी के घर पैसे देने के बाद सब कुछ देख लेंगे। हे, ये घास तो जल रही है अर्जुन। आए, अरे हमारे पैसे का क्या होगा? सर लीजिए सर। माँ जरा पानी लेकर आओ ना, आप भी लीजिए ना। ये सब तो ठीक है पर पैसे? अरे आप खा तो लीजिए, हम दे देंगे पैसे। पागल हो गया है क्या? पैसे कहाँ से आएंगे? आ जाएंगे पापा, आप टेंशन मत लीजिए, अर्जुन ने कहा है वो पैसे लेकर आएगा। अर्जुन भी इतने सारे पैसे कहाँ से ला पाएगा साहेब?
मेरे बेटे का दिमाग खराब हो गया है। आप घर जब्त कर लीजिए, हम लोग पैसे नहीं दे सकते। मुझ जैसे जरूरतमंद किसान को पैसा देने के लिए आपको साष्टांग प्रणाम। ऐसे नाटक हम रोज देखते हैं, आओ अपना काम करते हैं। मेरी बात मानिए पापा, सिर्फ आधा घंटा और वो आ जाएगा पैसे लेकर। अरे रुकिए, देखिए थोड़ी देर और रुक जाइए सर, वो आता ही होगा पैसे लेकर सर। अरे भाई सुनो, आओ दस्तखत करो। वो देखिए वो आ गया पैसे लेकर। अरे अर्जुन पैसे कहाँ हैं यार? मैंने मैंने पापा को कहा लेकिन वो मेरा यकीन नहीं कर रहे हैं यार। कहाँ है पैसे? हाँ इसको क्या हुआ? कहाँ है पैसे यार? वो जल चुका है यार, हमारे जाने तक सब कुछ जल चुका था। तानाजी अर्जुन क्या हुआ यार? घास में आग लग गई थी यार। पैसे कैसे जल गए? हाँ वही तो समझ में नहीं आ रहा है। चल तानाजी मेरे घर पे चलते हैं, चलिए चाचा जी। चाचा चलिए हमारे घर। किराए के मकान में रहते हुए खुद का घर बना सकते हैं, पर खुद का घर होकर उसी घर के सामने उम्र भर के लिए कैसे रह पाएंगे? हम चले जाएंगे। सॉरी यार दादाजी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है यार? जब से हम लोग दोस्त बने हैं तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं कर पाता। अरे तुम सब क्यों रो रहे हो यार? इतने दिनों से तुम सब ने मेरी तकलीफ बांट ली है, अपनी खुशी भी बांट लो यार मुझसे। किसी से फ्रेंडशिप क्या है पूछेंगे तो बहुत कुछ बता देंगे, लेकिन मुझसे मतलब पूछोगे तो मुझे चार मतलब ही पता है, और वो चार भी तुम ही चार लोग हो यार, मेरे दोस्त। से है खिला इस दिल का काफिला, यादों को सजा के जो भी है बचा के रखूं, संभाले दिल की हवाले। अर्जुन तुम लोग मेरे पीछे पीछे ऐसे आओगे तो मैं जा नहीं पाऊंगा यार। बचपन का है यार तू साथ, चला कहां हमको भी बता दे तू जरा। ओ यारा कहां तू है चला? हाँ बोलो सर। अरबी में उन्हें माल देने वाले डीलर का नंबर मिल चुका है। ओके वो नंबर इमीडिएटली नेटवर्क ऑपरेटर को भेजो। ओके सर। सारी डिटेल्स मुझे कल दोपहर तक मिल जाने चाहिए, समझ में आया? उसके बगैर हम कैसे रह पाएंगे? रह तो नहीं पाएंगे, रहने की गुंजाइश ही नहीं है। हमारा पीछा करने वाला सिया सुनीता का होने वाला पति है और कल उनकी शादी है। हाँ यार उससे बचकर गांव में रहना बहुत ही मुश्किल है, उसके हाथ लग गए ना तो पक्का हमें मार देगा। मेरा काम है। मेरे फ्रेंड्स हैं वहाँ, मैं जाकर उनसे मिलकर आती हूँ। मैंने जितना कहा है उतना करो, अपने हिसाब से काम मत करो। ए, क्या बोल रहे हो? क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाय, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
कल मेरी शादी है ना, तो तुम सब वहाँ जरूर आना, ठीक है? हाँ जरूर आएंगे। तुम सब से मिलवाने के लिए मैं अपने होने वाले पति को साथ लाई हूँ। कहाँ है? वहाँ है, फोन पर बात कर रहे हैं। बाकी के सारे काम छोड़कर पहले ये काम करो। कल ही है ना शादी, हम जरूर आएंगे। छोटा सा काम याद आ गया, हम लोग आते हैं। चल चल। अरे श्रवणी, कम से कम तुम तो रुक जाओ। देखो वो यहाँ आ ही रहे हैं, तुम्हें उनसे मिलवा देती हूँ। सुब्बू, ये मेरी फ्रेंड है श्रावणी। ओह अच्छा, लगता है आपको पहले कहीं देखा है। क्या मुझे? हाँ, पिछले महीने हुए संक्रांति के त्योहार के रंगोली के प्रतियोगिता में मैं फर्स्ट आई थी। जिला ऑडिशन के फोटोज में छपा था, तब देखा होगा आपने। हाँ सुब्बू, ये बहुत अच्छी रंगोली बनाती है। ओके, कल शाम को हमारी शादी है, आप जरूर आना। चले कम। बाय बाय। आप रे, उसने पहचाना क्या? नहीं। कुछ कहा क्या उसने? ए, कुछ दिनों के लिए हमें गांव छोड़कर जाना होगा, चलो। ये फोन कहाँ से आया? इस राम बाबू का भी फोन नहीं लग रहा है। टाइम हो चुका है और मुझे भूख भी लगी है, रेलवे स्टेशन का। कब क्या बोलना है कुछ पता नहीं है। एक काम करो, इसे खा लो, पकड़ो फोन। अरे अर्जुन, अरे कहाँ मर गया था तू? सबको बताते बताते देर हो गई। चलो, चलो, तुमने सबको बता दिया ना? हाँ बाबा बता दिया। अरे शिवांगी को बताना तो भूल ही गया। तुम लोग स्टेशन पहुंचो, मैं उसे बता के आता हूँ। अरे अरे रुक, ये फोन ले। शिवांगी कैसी हो? तानाजी का घर बचाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर छोड़ा था। उसका घर तो नहीं बचा पाया, वो गांव छोड़कर जा रहा है। और सिर्फ वही नहीं, हम सब गांव छोड़कर जा रहे हैं। शिवांगी, जैसे ही हम गांव लौटेंगे तो तुझे पक्का लेकर जाएंगे। तो फिर अर्जुन हार गए क्या? अर्जुन के लिए जंगल हो या दंगल, सब एक जैसा ही है। कौरव 100 थे, लेकिन अर्जुन अपने एक ही बाण से सबको डरा देता था। और तुम देखना, इस बार भी अर्जुन जरूर जीतेगा। झोल करने में जो किक मिलता है ना, वो और किसी काम में नहीं मिलता। झोल जितना बड़ा उतना ही मजा। क्या भाई? लो पियो। आखिर आप ऐसा करते क्यों हो? जो भी मांगता उसे लोन दिला देते हो। अरे भाई, इंसान होने के नाते अब इतना तो फर्ज बनता है ना, मदद नहीं की तो जीना बेकार है। महान आदमी है आप, शादी के काम काज में भी आप जब्त किए कागजों को नहीं भूले। जीने के सहारे को भूलेंगे तो जिंदगी ही नहीं रहेगी। ये लो। क्या है ये? 50,000 है। सिर्फ 50,000? कम से कम 1,00,000 तो दीजिए। 1,00,000 चाहिए? बोलने में तो काफी आसान है, पर जिसे देना पड़ता है उसके दिल से पूछो। हाँ ना, महान है आप। सारी मेहनत हमारी और धन आप बटोरते हो, ठीक है। ये भी सही कहा। हाँ ठीक है ठीक है, जाता हूँ। अरे सुनो, कागजात किधर है? इसे आप नहीं भूलोगे? अरे इसे कैसे भूल सकता हूँ। जमीन 3,00,000 में खरीदी, मतलब गांव में जब्त हुए घर और जमीन सब कुछ ये ढाप रहा था। कमी ना कहीं का।
मेरे ना होने वाले कुरुक्षेत्र में मुझे पता ना चलने वाले चक्रव्यूह में फंस गया, लेकिन बलि चढ़ने के लिए मैं अभिमन्यु नहीं हूं, अर्जुन हूं। हे ताना जी। हाँ अर्जुन। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्या? वापस लौट के आ जा। अरे लेकिन हुआ क्या है? अरे मैं बोल रहा हूँ ना यार, वापस आ जा। ए, ए, कौन आया था यहाँ जो सब कुछ लेकर चला गया, बर्बाद कर गया मुझे। ए, उसे ढूंढ और खत्म कर दे। ए, ए, वो जिंदा ना बचने पाए, सारे कागजात लेकर गया है वो। मैं कौन हूँ उसे पता चलना ही चाहिए। अरे ये क्या हो रहा है? तो बहुत ही चालाक निकला, गांव में बड़ा आदमी बनकर कितना बड़ा स्कैम कर रहा था। अर्जुन मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये बात किसी और को ना पता चले, मेरी बेटी की शादी रुक जाएगी। वैसे भी मेरा दामाद बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। गांव में होने वाला मौत का तांडव तू सह सकता है, लेकिन अपनी बेटी की शादी रुक जाएगी तो सह नहीं सकता। बैंक वालों के साथ मिलकर गांव को बकासुर की तरह निगलने की सोच रहा है। अरे ऐसा मत बोल अर्जुन, तू मेरी बेटी को बहन मानता है ना, तुझे उसका वास्ता है, ऐसा मत कर। बस एक बार उसकी शादी हो जाए, गांव में किसी को बताना मत। गांव में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तेरे दामाद को जरूर बताऊंगा। परसों जो हुआ वो जुलूस नहीं था। जब वो तुझे मार देगा ना, तब असली जुलूस शुरू होगा, तभी होगा असली जश्न, सारा गांव मनाएगा। अर्जुन तू ऐसा नहीं कर सकता, मेरे जीने का सहारा छीन लेगा तू। ए, जरा एक बार तो सोच। और हाँ, वो तेरी गाय मैं शिवांगी को तुझे दे दूंगा। अपनी शिवांगी को मैं साथ लेकर जाऊंगा ही। उसके साथ साथ तूने जो घर जमीन हड़पी है ना, वो लोगों को वापस करा के ही जाऊंगा। ताना जी का घर भी साथ साथ में। वैसे उसमें सबके पेपर्स हैं, ताना जी के पेपर क्यों नहीं है? हाँ क्या? वो पेपर्स मैंने अपने दामाद को दहेज में दे दिए। अबे तेरी तो कमी ने, सुबह ही तो लिखा कर लिया था और शाम तक तूने दे भी दिया। मामूली इंसान नहीं है तू। हाँ अरे पर मैं क्या करूँ, मैं वापस नहीं ले सकता। तो मैं मांग लूंगा। तू मांगेगा? लेकिन कैसे मांगेगा? तेरे काले कारनामे बिना बताए और तेरी बेटी की शादी रुके बिना ताना जी के घर के पेपर्स मैं मंगा लूंगा, ठीक है ना? लेकिन कैसे? कल से सुबह स्टेशन में कम, बेडरूम में ज्यादा रहेगा। तू चुपचाप ही, मैं ड्यूटी माइंडेड हूँ, पता है ना? अरे ड्यूटी तो कभी भी कर सकते हैं, पहले ये ड्यूटी ही परफेक्टली कर लो,
अगर नहीं किया तो ना घर के रहोगे ना घाट के। अरे नहीं यार, मजाक कर रहा था, खामा खा नाराज हो जाते हो। मुझे धोखा देकर भाग गए थे ना, कहाँ छिपाए बता, पैसे कहाँ छिपाए बता। बस 5 मिनट के लिए, अंदर चल के बात करते हैं। क्यों बोल रहा हूँ जरा समझो, वरना बाद में बहुत पछताओगे। चल बोल, 5 मिनट के लिए बोलने वाला था ना, बोल। शुरू हो जाओ। तुम्हारे फ्रेंड्स कहाँ हैं? वहां पर है। हेलो मामा जी, आपके नए किराए के बारे में अर्जुन ने मुझे सब कुछ बता दिया है, ये घर आप दे दीजिए। क्या रे? नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते सर। हैप्पी मैरिज लाइफ सर। थैंक यू सर, शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आप बहुत स्वीट है सर। मतलब अच्छे हैं। मेरी शादी तुम सब पास में रहकर करवाना, ठीक है ना? आप खुद ही देखोगे ना हमारा ऑटो स्पैच कैसा है, दिखा देंगे हम लोग। ये सब अपने ही बच्चे हैं, हमारे सामने पले बड़े हैं, ये सब कुछ अच्छी तरह संभाल लेंगे। हाँ ये 8 दिन की जिंदगी एकदम फिल्म जैसी थी यार। इसे कहते हैं डर के आगे जीत है। इस सारी परेशानी की जड़ मैं हूँ ना। चुप कर, वो सब मत बोल, ठीक है? अर्जुन की इस लड़ाई में हमने जीत हासिल की है। यप। और ताड़ी का घर भी वापस मिल गया। शिवांगी भी अर्जुन के घर लौट आई है। गांव के सभी लोगों के चेहरों पर हंसी आ गई है। अर्जुन, उस सीआई को कमरे में ले जाकर तुमने क्या बात की? सब तो ध्यान से सुनो, बताता हूँ, आराम से बताता हूँ, घबराइए मत। पहले आपके ससुर के बारे में बताता हूँ। स्ट्रिक्ट एंड सिंसियर ऑफिसर दामाद बनने वाला है। इस खुशी में बैंक ने जब्त किए सारे घर, जमीन, खेत सब अपने पैसों से छुड़ा रहे हैं। हाँ तो इतने महान इंसान का दामाद हाथी के दांत, शेर की चमड़ी, हिरन का मांस बेच रहा है तो कैसा लगेगा? ए, ए, क्या बोल रहा है? अकल है क्या तुझे? हाँ क्या बोल रहा है तू? अरे मेरे पास तो प्रूफ है सर। नमस्ते मिनिस्टर जी, आपके कहने के मुताबिक 50 हाथी के दांत और 25 हिरण भेज रहा हूँ। बस इतना ही? और चाहिए तो बोलिए ना सर, हमारा काम है, हम भेज देंगे। तुम तो भेज दोगे, ठीक है, वो मैटर कहीं लीक नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर। वंशा का मंत्री का जितना वन पे अधिकार होता है उतना ही अधिकार उसका जानवरों पर भी होता है। आप चिंता मत कीजिए सर, मैं हूँ ना। ओके सर, राइट सर। ओके ओके। हे, जल्दी जल्दी करो, शाम तक भेजना है, चलो आज चलाओ। नमस्ते सर, 50 लाख रुपए लाए हैं ना? प्रूफ कहाँ है? रुकिए सर, सब ठीक ठाक है, चेक तो करना पड़ेगा ना। मतलब मुझ पर भरोसा नहीं है? द मोस्ट करप्टेड ऑफिसर भरोसे के बारे में बोल रहा है तो हंसी आ रही है। मिनिस्टर के घर में शादी है तो बंदोबस्त करना ठीक है, लेकिन खाने के लिए हिरन को भेजना गलत है ना सर? शेर की चमड़ी, हाथी के दांत बेचना, आपका बिजनेस अच्छा है सर। आपका प्रूफ। Hey! ये गलत है, क्या कर रहे हो तुम?
चलो। ये फोन कहाँ से आया? अरे अरे ये फोन लेते हुए जा, ये पुलिस की गाड़ी से उठाया था मैंने। ये क्या किया? क्यों बे कमीने, नाम से तो बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट ऑफिसर है और काम ऐसे नीच वाले करता है तू। ऊपर से हमारे गांव की लड़की चाहिए तुझे, हमारे गांव की साइट भी चाहिए, वो भी दहेज में। यार प्लीज यार, ये प्रूफ मुझे दे दे, तू जो बोलेगा मैं वो करूंगा। अरे दे दूंगा यार, तू घबरा मत। पहले तेरे ससुर को दूंगा, बाद में तेरे बड़े ऑफिसर को दूंगा। तेरा ससुर जब देखेगा, छी छी छी, अपनी बेटी मैं ऐसे इंसान को दे रहा हूँ, ये सोचकर वो सदमे में ही मर जाएगा। शादी रुक जाएगी, ऊपर से तेरी नौकरी तो जाएगी। अरे घबरा मत, फिर अर्की रोड पर जाकर तू चने बेचना। छी छी छी। अरे 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 वो 50 लाख भी तू ही रख ले यार, तुझे और चाहिए मैं वो भी तुझे दे दूंगा। प्लीज यार वो प्रूफ मुझे दे दे यार, प्लीज यार। अरे वो 50 लाख तो कब के जल गए, क्योंकि हराम का माल था उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस गाँव के जो साइट पेपर है, हाँ उस साइट के पेपर है मेरे पास। एक मिनट, ये ले, यही वो पेपर्स हैं। अरे अपने हाथों से ही दे दे। हाँ मैं तो दे दूंगा, वो प्रूफ मुझे देगा ना। सब सही हो जाएगा तो तेरा काम भी हो जाएगा ना। चल चल। यार तुझे तो मानना पड़ेगा, सबकी वाट लगा दी और अपना काम भी हो गया। जस्ट मिस, हम नहीं होते तो। ऐसे पुलिस ऑफिसर होते हैं जो शादी के लिए छुट्टी लेते हैं, पर ऐसे में शादी करते हुए भी एक जांबाज पुलिस ऑफिसर ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए नकली नोट बनाने वाले एक इंसान को अरेस्ट किया है। उन्होंने शादी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाते हुए मिसाल कायम की है, वो और कोई और नहीं सीआई सुपर आदित्य। अब आएगा मजा, चोरों के ही साथ चोरी होगी। बाप रे बाप, ये तो सही काम हो गया, इसने झोला चुरा कर खुद को ही फंसा लिया। तो झोले के नकली नोटों के साथ हम पकड़े जाते तो वाट लग जाती। हाँ यार। वो सीआई सुब्बा राजू तो बहुत ही चालाक है यार, खुद के नकली नोट खुद ही पकड़वाकर प्रमोशन मार लिया। कितना बड़ा चालाक आदमी है। चलो ठीक है, सिनेमा रिलीज होने में 1 महीना बाकी है, तूने सब कुछ देख तो लिया ना, तो अभी यहाँ से चलते हैं क्या? साउंड डिपार्टमेंट में जाकर देखते हैं। चलो चलो, इस बार सिनेमा टिकट्स खरीदने में परेशानी नहीं होगी। सुब्बा राजू को फोन लगाएंगे तो जितने चाहिए उतने दिला देगा। इस बार सबको दिखाएंगे, किसी को भी बाकी नहीं रखेंगे।